आप यहां जीना जो है मुश्किल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पास जहां युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, लोगों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है, लोगों को आप उनकी जमीनों से वंचित कर रहे हो, लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से आप वंचित कर रहे हो, वहां अब देखा जा रहा है कि लोगों को आप अपने जमीनों पे अपने पैसों से मकान बनाने की इजाजत भी नहीं दे रहे। 35 पार्टी के बाद डेपुटेशन आते हैं और डेपुटेशन ने हमें यह बताया कि उन्होंने अपनी जमीनों पे मकान बनाने के लिए जेडीए में एप्लीकेशन दायर की, लेकिन उनकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करने से रोक दिया गया यह कहकर कि उनकी जो जमीनें हैं वो गूगल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से और जम्मू मास्टर प्लान 2032 के हिसाब से वेजिटेशन लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है या कमर्शियल लैंड है। सत्य यह है कि वो अपनी जमीन के मालिक हैं, उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्लियर टाइटल है, वो रेजिडेंशियल इलाकों में अपने घर बनाना चाहते हैं, लेकिन अब इस भाजपा के राज में वो अपनी जमीन पे अपने पैसे से घर भी नहीं बना सकते। और कुछ मेंबर्स जो डेलीगेशन के मेंबर्स हैं उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जैसे कोई एरिया है ना उसमें जो प्लॉट कटे हुए हैं, एक प्लॉट को कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी गई है लेकिन नेक्स्ट टू द प्लिथ जो प्लॉट है उसको उसकी परमिशन को रोक दिया गया है। कुछ लोगों ने यह बताया कि अपनी पुश्तैनी जमीनों में भी घर नहीं बना सकते क्योंकि उनको जेडीए द्वारा रोका जा रहा है, यह कहकर कि उनको यह डर है कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में आगे आजू बाजू भी जो प्लॉट है पहले वो डिमार्केट होंगे फिर आपको परमिशन दी जाएगी। कितनी प्रताड़ना है लोगों को, गरीबों का तो यहां पर जीना जो है दुश्वार हो चुका है। मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पूछना चाहता हूं, ये भाजपा के जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जिन्होंने कैनालों के हिसाब से जमीन हड़पी हुई है, इलीगली बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, उनका संज्ञान कब लेंगे आप, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? गरीब लोगों के मकानों पर बुलडोजर फेरे जा रहे हैं, रेड़ी फड़ियों को आप उठा रहे हैं, युवाओं के लिए नौकरियां यहां नहीं है, लोगों को जमीनों से वंचित कर रही है, कौन सा शासन चल रहा है? मैं आपको 35 पार्टी आपसे पूछना चाहती है, हमसे गुहार लगाना चाहते हैं कि इन विधायक और मंत्रियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। यहां पर दो कानून चल रहे हैं, एक भाजपा लीडर्स के लिए और दूसरे जनता के लिए, और जनता को जो है अपने घर बनाने के लिए से भी आप वंचित कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब से यह भी अपील करेंगे कि जो एनोमलीज हैं जेडी और जेएमसी की इन्हें ठीक कीजिए ताकि लोग सुख चैन के साथ अपना घर बना सके। और हम यह अपील करेंगे कि आप लोगों से डोंट स्नैच द राइट टू रिजाइड फ्रॉम द पीपल, फॉर गॉड सेक, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट।